बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के कैमूर जिले में जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के अंतर्गत उधमपुरा में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी अपने ही पुत्र के द्वारा। आपको बताते चलें, 17 मार्च को दुर्गावती थाने में सूचना मिली कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। मात्र 3 घंटे के अंदर ही इस हत्या की गुत्थी को कैमूर पुलिस ने सुलझाते हुए अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी बात निकल कर ये सामने आई कि अपराधी कोई और नहीं, मृतक महिला का अपना ही छोटा बेटा है। पुलिस जांच में कबूलनामे के आधार पर पता चला कि हत्यारा बेटा अपने मां के आचार व्यवहार से तंग आकर इस घटना को अंजाम दिया है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुरेश निखर की रिपोर्ट। थाना को सूचना 7:30 बजे के आसपास में प्राप्त हुई कि एक पूरा गांव है जहां पर एक 50-55 बरस की महिला का गोली मार के हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी महोदय के द्वारा सूचना हम लोगों को दी गई, वरीय पदाधिकारी को दी गई, एसपी साहब को, और एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बना, तत्काल कार्रवाई की गई। उसमें जो मैनुअल इनपुट था कि सूचना प्राप्त हो रहा था कि इनके घर का कुछ विवाद है, कलह है, उसी के वजह से हत्या हुई। उसके आधार पर उनके फैमिली से पूछताछ की गई तो उनके छोटे लड़के जो हैं उनका नाम है भीम शर्मा, उन पर हम लोगों को शक होता है और उनको हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ के बाद काफ़ी इजीली उन्होंने अपना घटनाकारी करने को स्वीकार किया है और उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी माँ का जो आचार व्यवहार था और उसको ये पसंद नहीं करते थे, उसका काफ़ी दिन से विरोध कर रहे थे, लेकिन उसमें कोई सुधार होता नहीं देख जो है ना इन्होंने एक साजिश के तहत इस अपनी माँ का ही हत्या इन्होंने कर दिया है। और जो हत्या में प्रयोग किया गया आर्म्स है वो भी इनके द्वारा बताया गया कि हत्या के बाद कहाँ पर छुपा दिए थे और इनको जाकर के वहाँ से निकाला गया है। आर्म्स जो मिला है वो देसी कट्टा है और उसमें ये देख रहे हैं हम लोग कि एक जो गोली फायर हुआ है उसका खोखा इम्पट्टी भी उसमें फंसा हुआ है, तो वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और इनका कन्फेशन था कि इन्होंने 2 फायर किया है, तो एक जो खोखा था और अपना मोबाइल बगल में नदी है उसमें फेंक दिए थे ये, जिसकी अभी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं, शायद वो मिल जाए। और ये स्पष्ट है कि इनकी माँ के व्यवहार से कुछ नहीं थे, उसी की वजह से हत्या किए हैं। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि पुलिस जो है काफ़ी कम समय में इस घटना का उद्भेदन कर दी है। लगभग मान लिया जाए कि 3 से 4 घंटे में इस घटना का उद्भेदन हो गया है। और इनके बड़े भाई जो हैं रंजीत शर्मा विश्वकर्मा, उनके कंप्लेंट पर कांड दर्ज किया गया है 302/27 में। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि विद इन 15 डेज हम लोग इसमें चार्जशीट सबमिट कर दें और जितना जल्दी हो सके स्पीडी ट्रायल करवा करके और इसको सजा भी हम लोग दिलवा देंगे। हमारी तरफ से इतना ही है।